नमस्कार दोस्तों, मैं राज माथुर मेटास फिटनेस के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आकर खड़े हुए हैं उसी जगह पर जहां पर एक ऐसे इंसान ने 18 हफ्ते पहले एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था जिसने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर अमित महेश्वरी जी के बारे में। उन्होंने आज द बिग जिम में खड़े होकर आज से 18 हफ्ते पहले एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था। जी हाँ, वो चैलेंज था सिक्स पैक एब्स का। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अमित महेश्वरी जी का। सर कैसे हो? बहुत सर, आज से 18 हफ्ते पहले आपने आज इसी जिम में आकर एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था, और जिस तरीके के उस टाइम पे आप थे, क्या आपको लगता था कि ये पॉसिबल है? देखिए सर, जिंदगी में कठिन चीजें ना हासिल करना मुश्किल तो होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। लेकिन जिस दिन आपने मुझे कहा ये चैलेंज मेरा आपके अकेले का नहीं है, इस चैलेंज में मैं आपके साथ हूँ, उस दिन मुझे विश्वास हो गया कि मैं हर वो चीज़ हासिल कर सकता हूँ जो चैलेंज आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और हमने उस पर पूरा प्रयास किया, पूरा शेड्यूलिंग की, पूरा डाइट मेंटेन किया, एक्सरसाइज डिज़ाइन किया राज सर ने पूरा, और किस तरह से करना है, कैसे परफॉर्म करना है, क्या रूटीन होना चाहिए, हम लगातार उसको फॉलो करते गए और 18 हफ्तों में हमने वो रिजल्ट अचीव कर लिया। जैसा कि सर मैं आपको देखता था कि मैं डेली आपको एक्सरसाइज कराने आता था, एक्सरसाइज कराने के दौरान बहुत से लोग कहते थे अबे यार ये क्या है, तो वहाँ बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि सर ये पॉसिबल नहीं है, एक एक साल से हम लगे हुए हैं, हमारा नहीं हुआ। तो उस टाइम जो आपकी माइंड में क्या चल रहा था सर? सर देखिए, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं जानता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई नकारात्मक दृष्टिकोण है तो इसका मतलब यदि आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों पर कोई हंसता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह आपके लक्ष्यों पर हंसता है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी काबिलियत पर हंसता है, उसे विश्वास नहीं होता कि वास्तविकता में इस चीज़ को अचीव किया जा सकता है। और ऐसे लोग आपको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, जो ये कहते हैं ये संभव नहीं है, उस समय आपका जोश और मल्टीप्लाई हो जाता है कि अब तो मैं ज़रूर करके दिखाऊंगा। और आप जैसे ट्रेनर के साथ मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कोई टारगेट बनाया जाए उसे प्राप्त करना असंभव हो। सर बहुत से लोगों, जैसे कि मैं देखता था वहाँ बहुत से लोग थे, तो एक दिन ऐसी जिम में एक्सरसाइज करते करते मेरी एक लड़के से बात हुई, कह रहा सर कह रहे हैं कि मुझे शीशे में अपने सिक्स पैक एब्स दिख रहे हैं। मैं बोला भाई उनको, मैं कहा जब उनकी कमर 47 इंच की थी उनको उसी दिन से सिक्स पैक एब्स दिख रहे हैं। तो मेरे लिए भी बहुत सारी कठिनाइयां थी कि अगर सर को मैं नहीं करा पाया तो मेरा मतलब जो इतना नाम है वो ख़राब ना हो, लेकिन मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा था। आप बहुत अच्छी, जिस तरीके से मैंने आपको रास्ता दिखाया उसी रास्ते पे आप चले। जी, तो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो हमेशा अपने आप को या तो डीमोटिवेट रखते हैं या दूसरों को डीमोटिवेट करते हैं। फ्रेंड्स, एक मूर्तिकार जब पत्थर में से मूर्ति निकालता है तो वो छेनी और हथौड़ा का इस्तेमाल करता है, लेकिन पत्थर पे हथौड़ा और छेनी चलाने से पहले वो मूर्ति उसके मन में बन चुकी होती है, और बाद में तो वो केवल अतिरिक्त पत्थर को छांट कर उस मूर्ति को निकाल देता है जो छवि उसके मन में बनी हुई है। तो आप वो मूर्तिकार हैं जिसने उस पत्थर चट्टान में ये सोच लिया कि मुझे सिक्स पैक एब्स निकालने हैं, और धीरे धीरे प्रयास करके हमने 18 हफ्तों का वादा अपना पूरा किया और 47 इंचेस कमर से हमने रिड्यूस करके 30 इंचेस की वेस्ट और साथ ही साथ सिक्स पैक एब्स तैयार किए। तब कहां मैं अकेला करता हूं, ये हिम्मत, ये ताकत, ये चाहत, ये जज्बा, ये जोश, ये जुनून, ये ख्वाब सब साथ है मेरे। मेरे सपनों का बोझ मेरे हौसलों के कदमों पर खड़ा है, मंजिल अभी दूर है पर हौसला बड़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ मैं जिद्दी हूँ क्योंकि मैं जिद्दी हूँ। हाँ मैं जिद्दी हूँ। तो मेरा स्ट्रक्चर पूरा रेडी है, जबकि ये 46 इंचेस से मैंने शुरू किया था और आज सिक्स पैक एब्स का स्ट्रक्चर रेडी है। अगले कितने वीक्स में सर? 4 से 5 वीक। सर पांच बोलोगे तो पांच लोग सुन रहे हैं। हाँ, 5 वीक के अंदर। ये मेरा चैलेंज नहीं है, इनका चैलेंज, मेरा चैलेंज है। और यहाँ लिखवा दूंगा मैं राज माथुर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर ने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पे आगे खत्म करा, तो सर एक बार आप अपने सिक्स पैक लाइव दिखाओगे? अपर एब्स, मिडल एब्स, ये लोअर है, ये साइड ऑब्लिक्स है। जी,
और मैं तो आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है और ज़िंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है थोड़ी सी ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। और फ्रेंड्स, अगर आपके मन में फिटनेस से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और राज सर से अगर आप डाइट के बारे में, फिटनेस एक्सरसाइज के बारे में, बॉडी बिल्डिंग के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, मैं राज माथुर, आप सभी के सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।